हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल एनपीसी ज्ञान भंडार सब्सक्राइब माय चैनल एनपीसी ज्ञान भंडार एंड अल्सो टेप दी बेल बटन फॉर अपडेट्स माय सेल्फ निर्मल प्रजापति ऑनलाइन क्लासेस बाय एनपीसी ज्ञान भंडार क्लास फाइव टू टेन सब्जेक्ट मैथ साइंस एंड कंप्यूटर ऑफ एनी बोर्ड्स आई सी जैक और एनी स्टेट बोर्ड ऑफ इंग्लिश मीडियम क्लास एलेवेंथ एंड ट्वेल्थ सब्जेक्ट फिजिक्स मैथ एंड कंप्यूटर साइंस ऑफ एनी बोर्ड ए सी एस सी एस सी जैक और एनी स्टेट बोर्ड ऑफ इंग्लिश मीडियम फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट ऑन माइ व्हाट्सएप नंबर नाइन फोर थ्री वन सेवन जीरो थ्री नाइन फोर जीरो एंड नोट पर्सनल ऑनलाइन वीडियो क्लासेस ऑल्सो गिवेन हि दैट आर चार्ज चार्जेबल कोविड नाइन्टीन स्टे एट होम स्टडी एट होम ये फिज़िक्स क्लास सेवन आईसीसी बोर्ड चैप्टर वन फिज़िकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स का पार्ट टू है ओके इससे पहले मैंने पार्ट वन बनाया है उसे देख लें आप तभी ये पार्ट टू स्टार्ट करें तो इस पार्ट टू में हम लोग कवर करेंगे मेजरमेंट्स ऑफ डेंसिटी ऑफ रेगुलर सॉलिड्स ओके मेजरमेंट्स ऑफ डेंसिटी ऑफ रेगुलर सॉलिड्स मतलब डेंसिटी मेजर करेंगे रेगुलर सॉलिड्स का रेगुलर सॉलिड्स का डेंसिटी रेगुलर्स मतलब जैसे स्क्वायर्स क्यूड ओके तो इस सबका डेंसिटी क्यूब इस सबका डेंसिटी हम लोग मेजर करेंगे ओके डेंसिटी इज डिफाइंड एज दी रेशियो ऑफ मास ऑफ ए बॉडी टू इट्स वॉल्यूम डेंसिटी किसको बोलेंगे मतलब डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ ए बॉडी टू इट्स वॉल्यूम मतलब रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम किसी भी बॉडी का क्या कहलाएगा डेंसिटी कहलाएगा मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेसड एज डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम विच इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल एम बाय कैपिटल वी डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय डी कैपिटल डी ओके कैपिटल डी से डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे द डेंसिटी ऑफ प्योर सप्टानसिस वेर इज लिटिल फ्रॉम सैम्पल टू सैम्पल एंड ऑफ एन कंसिडर्ड ए करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपरली ऑफ दी सप्टान्स और डेंसिटी जो होता है प्योर का वो वेरी करता है थोड़ा बहुत ठीक सैम्पल टू सैंपल और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी और इसी को कंसिडर किया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ ए सप्टान्स सप्टानस का करेक्टर प्रॉपर्टीज को कंसिडर uh, किया गया डेंसिटी को मोस्ट सप्टान्स अंडरगोज एक्सपेंसन वेन हीटेड एंड देयर फोर हैव लोअर डेंसिटीज एट हायर टेम्परेचर ओके कुछ सप्टानस क्या होता है एक्सपेंसन एक्सपेंड करता है जब ज़्यादा हीट होता है तो वो एक्सपेंड करता है फैलता है उसको क्या होगा हैव लोअर डेंसिटीज़ एट हायर टेम्परेचर मतलब ज़्यादा टेम्परेचर करने पे उसका डेंसिटी लोअर होते जाएगा घटते जाएगा घट रहा है इसीलिए वो क्या हो रहा है एक्सपेंड हो रहा है मैनी सप्टान स्पेशली गैसेस कैन भी कॉम्प्रेस्ड इंटू ए स्मॉलर वॉल्यूम बाई इंक्रीजिंग द प्रेशर एक्टिंग ऑन देम मतलब कुछ सप्तान जैसे गैस गैस को क्या किया जाता है कॉम्प्रेस किया जा सकता है और उसको कॉम्प्रेस करके एक छोटे से वॉल्यूम में रखा जाता है जैसे सिलेंडर गैस का जो सिलेंडर होता है उसमें क्या होता है कॉम्प्रेस करके गैस को रखा जाता है ओके okay? बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एक्टिंग ऑन प्रेशर दे करके उसको कंप्रेस किया जाता है ठीक उसके बाद उसको स्मॉल वॉल्यूम में रखा जाता है स्मॉलर वॉल्यूम में फॉर दिस रीजन द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच द डेंसिटी ऑफ सप्टानस इज मेजर्ड आर यूजली स्पेसिफाइड इसलिए इस रीजन के कारण जो टेम्परेचर और जो प्रेशर जिस प्रेशर और जिस टेम्परेचर में उस डेंसिटी को रखा गया है उसको स्पेसिफाई किया जाता है उसमें लिखा जाता है ठीक ना मतलब बताया जाता है कि इतना टेम्परेचर है इतना प्रेशर ओके द डेंसिटी ऑफ गैस इज़ ऑफ एंड कन्वर्टेड मैथमेटिकली टू वाट इट टू वुड बी एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर डेंसिटी कोई किसी uh, कोई गैस का गैस uh, का जो डेंसिटी होगा यूजअली मैथमेटिकली uh, uh, कभी कभी मैथमेटिकली कन्वर्ट किया जाता है ओके okay? कि इसमें कितना टेम्परेचर और कितना प्रेशर है मतलब डेंसिटी से ही हम लोग पता लगा सकते हैं कितना टेम्परेचर है कितना प्रेशर है ओके नेक्स्ट है वाटर वाटर इज यूजल इन दैट इज दैट इट एक्सपेंट एंड दस डिक्रीजेज इन डेंसिटी एज इट इज़ कोल्ड बिलो थ्री पॉइंट नाइन नाइन ऐट डिग्री सेल्सियस इट्स टेम्परेचर ऑफ़ मैक्सिमम डेंसिटी ओके मतलब वाटर एक अच्छा एग्जांपल है कि जब वाटर डिक्रीज डेंसिटी डिक्रीजिज करता है तो क्या होता है ठंडा होता है ओके okay? कूल cool होता है जो कि कहाँ तो जाता है थ्री पॉइंट नाइन एट डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है वो मैक्सिमम डेंसिटी में रहता है वो जो टेम्परेचर हो उसका मैक्सिमम डेंसिटी उससे ज़्यादा वो डेंसिटी नहीं जा सकता है इट हैज़ अ डेंसिटी ऑफ वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ओके और 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट 3.98 डिग्री सेल्सियस मतलब उसका डेंसिटी उसमें कितना रहता है वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1000 थाउजेंड पर मीटर क्यूब कितने टेम्परेचर में 3.98 डिग्री सेल्सियस में डेंसिटी ऑफ एन इज टेकन एज एन इंडिकेशन ऑफ हाउ हैवी ए सप्टान्स इज मतलब डेंसिटी कभी कभी लिया जाता है इंडिकेशन में कि वो कितना हैवी है कितना हैवी सप्टान्स है वो आयरन इज डेंसर देन क्रॉक कॉर्क आयरन जो होता है वो डेंसर होता है कॉर्क से सिंस ए गिवेन वॉल्यूम ऑफ आयरन इज मोर मैसिव एंड वेट वेज मोर देन द सेम वॉल्यूम ऑफ कॉर्क ठीक मतलब सपोज आयरन का जो वॉल्यूम होगा कोई मतलब ज़्यादा मुनासिब होगा ठीक मतलब ज़्यादा वजन सपोज एक, एक मतलब क्या बोल सकते हैं ये सेंस गिव वॉल्यूम ऑफ एन आयरन इज मोर मुसिब मतलब इतना वॉल्यूम में ज़्यादा वेट होगा जबकि वही वॉल्यूम में कॉर्क का कम होगा ठीक मतलब बोल सकते हैं आयरन ज़्यादा डेंसर है किसके कॉम्पेरिजन में कॉर्क के कॉम्पेरिजन में इट इज़ ऑफ सेड टू आयरन इज हेवियर देन कॉर्क कभी कभी ये कहा जा सकता है कि आयरन ज़्यादा हैवियर कॉर्क से अल्दो ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ कॉर्क ऑब्वियसली कैन बी मोर माशिब एंड दस बी हैवियर दैट इज वेज मोर दस देन स्मॉल वॉल्यूम ऑफ आयरन मतलब uh, कभी कभी और ये भी ऑब्वियस uh, किया जा सकता है कि जो कॉर्क है वो ज़्यादा मासीब हो सकता है और हेवियर हो सकता है अगर उसमें स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ आयरन होगा तो स्मॉलर वॉल्यूम आयरन रहेगा तो वो ज़्यादा हेवियर हो सकता है नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ डेंसिटी इन एस आई डेंसिटी इज मेजर्ड इन किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर ओके जिसको नोटेड किया जाता है के जी पर क्यूबिक मीटर ओके इन सी जी एस डेंसिटी इज मेजर्ड इन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर जी ग्राम जिसको जी लिखते हैं स्मॉल जी पर सेंटीमीटर क्यूब ओके दिज टू यूनिट्स आर रिलेटेड एज वन ग्राम पर सेंटीमीटर इक्वल टू वन थाउजेंड किलोग्राम पर मीटर क्यूब ओके वन ग्राम पर मीटर क्यूब होगा वहाँ वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ओके जो कि वहाँ मिस्टेक है उसको रिलेटेड है इस तरह से वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू वन थाउजेंड किलोग्राम पर मीटर क्यूब ओके फाइंडिंग डेंसिटी ऑफ रेगुलर सॉलिड्स डेंसिटी ऑफ रेगुलर सॉलिड्स कैसे निकालते हैं ओके इन ऑर्डर टू कैलकुलेट डेंसिटी यू हैव टू नो टू मेजरमेंट्स मतलब डेंसिटी रेगुलर सॉलिड का निकालने के लिए आपको दो मेजरमेंट्स जानना जरूरी है ओके द मास एंड द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट मास और वॉल्यूम का जानना जरूरी है ओके टू डिटरमाइन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू यूज ए ट्रिपल भीम और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ओके मतलब मास जानने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या यूज कर सकते हैं ट्रिपल बीम या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज कर सकते हैं मास इज एक्सप्रेस इन ग्राम मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं करना है ओके इफ द ऑब्जेक्ट इज रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट सच एज क्यूब यू कैन डिटरमाइन वॉल्यूम मैथेमेटिकली यूजिंग द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम देन डेंसिटी ऑफ़ द सॉलिड इज़ गिवन बाय डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम मतलब अगर वो सॉलिड अगर वो ऑब्जेक्ट रेगुलर शेप है लाइक like स्क्वायर या फिर लाइक uh, क्यूब like तो हम लोग मैथेमेटिकल फॉर्मूला यूज करेंगे और वॉलीम निकालेंगे क्यूब का या क्यूबर्ड का ओके okay? तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है और इसमें डेंसिटी का फार्मूला क्या निकल गया मास बाई वॉल्यूम ओके तो एग्जाम्पल वन है यू हैव ए रॉक वॉल्यूम ऑफ फिफ्टीन सेंटीमीटर क्यूब एंड ऑफ फोर्टी फाइव ग्राम वाट इज इट्सिटी तो डेंसिटी कितना होगा तो देखिए सोल्यूशन दियाटर क्यूब तो डेंसिटी फोर्टी फाइव ग्राम बाई फिफ्टीन सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू थ्री ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा ओके तो इसी तरह दूसरा वाला है सेम उसी तरह करना है इफ़ नाइन्टी सिक्स पॉइंट फाइव ग्राम ऑफ गोल्ड हैज वॉल्यूम ऑफ फाइव सेंटीमीटर क्यूब वाट इज द डेंसिटी ऑफ गोल्ड मास मास दिया हुआ है नाइन्टी सिक्स पॉइंट फाइव ग्राम वॉलीम दिया हुआ है फाइव सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम तो क्या आ जाएगा नाइन्टीन पॉइंट थ्री ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ओके तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ़ द डेंसिटी ऑफ ए डायमंड थ्री पॉइंट फाइव ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाट वुड बी द मास ऑफ द डायमंड वॉल्यूम इज़ जीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर क्यूब मतलब अगर डायमंड का डेंसिटी दिया हुआ है थ्री पॉइंट फाइव ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो क्या होगा डेंसिटी क्या होगा मास उस डायमंड का जिसका वॉल्यूम है कितना जीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर क्यूब ओके तो गिवन डेंसिटी डे इक्वल टू थ्री पॉइंट फाइव ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम फाइव सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है ओके जीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर क्यूब यहाँ मिस प्रिंट है ओके जीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है मास तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मास इक्वल टू थ्री पॉइंट फाइव ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनटू जीरो पॉइंट फाइव ग्राम जीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा मास वन ग्राम नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल फोर इफ द इफ ए 96.5 ग्राम पीस ऑफ एल एल्यूमिनियम हैज़ ए डेंसिटी ऑफ 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब व्हाट इज इट्स वॉल्यूम तो इसका वॉल्यूम कितना होगा गिवन मास दिया हुआ है 96.5 ग्राम डेंसिटी दिया हुआ है 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी तो डेंसिटी निकल जाएगा 35.7 सेंटीमीटर क्यूब नेक्स्ट है कैलकुलेसन ऑफ स्पीड स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे इन आवर डेली लाइफ वी कम एकरोसन सैनरेज विच गिव अस ए कॉन्सेप्ट ऑफ फास्ट एंड स्लो मोशन हम लोग डेली लाइफ में ऐसे ऐसे सिचुएशन से गुजरते हैं कि कभी हमको uh, कभी हम लोग फास्ट सिचुएशन आता है कभी कॉन्सेप्ट आता है फास्ट का कभी स्लो मोशन का कॉन्सेप्ट आता है फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट कंसिडर द मोशन ऑफ ए साइकिल एंड ए कार तो हम लोग एग्जाम्पल uh, के लिए ले सकते हैं एक मोशन मतलब साइकिल uh, और कार की गति मतलब मोशन uh, ठीक वी ऑब्जर्व दैट द कार ट्रेवल फास्टर देन द साइकिल हम लोग को ऑब्जर्व करेंगे कि कार जो है ट्रेवल्स करता है फास्ट ट्रेवल्स करता है साइकिल से हाउ डू वी कंपेयर दिज मोशंस तो हम लोग इस मोशंस को कैसे कंपेयर करेंगे हाउ डू वी कैलकुलेट एग्जैक्टली हाउ फास्ट द साइकिल एंड द कार ट्रेवल्स तो कैसे हम लोग एग्जैक्टली exactly ये कैलकुलेट करेंगे कि कौन फास्ट ट्रेवल कर रहा है ओके okay. कार की साइकिल देर इज ऑफन ए नीडेड नीड टू मेजर हाउ मच डिस्टेंस ए बॉडी कैन कवर इन गिवन पीरियड ऑफ एग्जिस्टें गिवन पीरियड ऑफ टाइम ठीक मतलब इसी से हम लोग मेजर करेंगे कैसे कोई भी uh, कोई भी uh, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कोई भी बॉडी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में दिस इज़ हाउ द टर्म स्पीड केम इनटू एग्जिस्टेंस तो इस तरह से ऐसे ही क्या आया एक स्पीड आया स्पीड जिसको जो कैसे जो क्या मेजर करेगा विच इज़ मेजरमेंट ऑफ़ द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम जो मेजर करेगा डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर्ड किया कौन मेजर करेगा उसको स्पीड ओके जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है ओके वी नो दैट स्पीड इज गिवेन बाय द फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम इट कैन बी इन्फोर्ड फ्रॉम द फॉर्मूला दैट टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ ए बॉडी वी नीड टू कीप ट्रैक ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट एंड द टाइम टेकन फॉर द जर्नी ओके मतलब स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या जानना पड़ेगा स्पीड डिस्टेंस कि कितना डिस्टेंस वो मतलब चला ओके okay? इसको ट्रैक करना पड़ेगा डिस्टेंस को क्योंकि डिस्टेंस कि कितना हुआ और फिर जर्न जर्नरी का टाइम कितना लगा कितना टाइम लगा वहाँ तक उस डिस्टेंस तक पहुँचने में उसको भी हमें मेजर करना पड़ेगा हमको ओके okay? तभी हम स्पीड कैलकुलेट कर पाएंगे नेक्स्ट चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट है यूनिट ऑफ स्पीड्स यूनिट्स ऑफ स्पीड्स ओके मतलब स्पीड का क्या यूनिट होगा द एस यूनिट फॉर मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम आर मीटर एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली मतलब ऐसा यूनिट क्या है टाइम एंड टाइम का क्या है सेकंड और डिस्टेंस का मीटर ओके सो द आई यूनिट फॉर स्पीड इज मीटर पर सेकेंड तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा स्पीड का मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ओके okay. However, for measuring larger amounts of time, we have units like minutes and hours. Similarly, we often use kilometer and miles for larger distance. मतलब कभी-कभी हम लोग larger time के लिए, larger amounts of time के लिए क्या use करते हैं? Minutes use करते हैं, फिर hour use करते हैं, okay? फिर distance के लिए वैसे ही क्या करते हैं? Kilometer use करते हैं माइल्स यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द यूजेज मतलब डिपेंड करता है यूजेज पे वी यूज सेवरल यूनिट्स ऑफ फोर स्पीड्स मतलब हम लोग बहुत सारा यूनिट्स युन, मतलब यूज कर सकते हैं स्पीड्स के लिए सम ऑफ देम आर मीटर पर सेकेंड ओके किलोमीटर पर आवर फिर माइल्स पर आवर जिसको मीटर पर सेकेंड को क्या लिखते हैं एम एस एम पावर एम पर सेकेंड मतलब मीटर पर सेकेंड ओके इसका यूनिट के एम पर आवर ओके फिर जिसको के एम पी एच भी लिखते हैं फिर मिल पर आवर का एम पी एच ओके तो कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ एक्जाम्पल, एक्जाम्पल है सॉल्व सेम्पल एग्जांपल, एग्जांपल फाइव है ए बॉय वॉक्स ए स्पीड ऑफ फोर के एम पी एच हाउ मच टाइम डज ही टेक्स टू तो वॉक ए डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी किलोमीटर मतलब तो एक लड़का है जो कितने स्पीड से चल रहे हैं वाक कर रहा है फोर के एम पी एच से ठीक तो उसको कितना न, कितना टाइम लगेगा बीस किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में ओके okay? तो चलिए देखते हैं क्या क्या है गिवेन स्पीड इक्वल टू फोर के एम पी एच डिस्टेंस इक्वल टू ट्वेंटी मीटर ट्वेंटी किलोमीटर तो टाइम निकालना टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड ओके तो ट्वेंटी बाई फोर इक्वल टू फोर फाइव आवर्स ओके नेक्स्ट है एग्जाम्पल सिक्स ए साइकिलिस्ट कवर्स है डिस्टेंस ऑफ फिफ्टीन मील्स इन टू आवर्स एक साइकिलिस्ट है जो डिस्टेंस कवर करता है फिफ्टीन मील्स का दो घंटे में कैलकुलेट स्पीड उसका स्पीड कैलकुलेट करना डिस्टेंस है फिफ्टीन किलोमीटर टाइम है टू आवर्स स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम इक्वल टू फिफ्टीन बाई टू इक्वल टू सेवन पॉइंट फाइव के एम पी एच नेक्स्ट एग्जाम्पल सेवन ए कार टेक्स फोर आवर टू कवर ए डिस्टेंस एक कार है जो चार घंटे लगाता है डिस्टेंस को, को कवर करने में इफ़ इट्स ट्रेवल ए स्पीड एट ए स्पीड ऑफ़ फोर्टी के एम पी एच वाट शुड बी इट्स स्पीड टू कवर द सेम डिस्टेंस इन वन पॉइंट फाइव आवर मतलब एक कार है जो चार घंटे लगाता है कोई डिस्टेंस कवर करने में यदि ये कितने स्पीड में चल रहा है फोर्टी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो इसका स्पीड इस क्या होगा सेम आ, मतलब सेम डिस्टेंस को कवर करने में ओके कितना टाइम लग रहा है तो इसकी स्पीड इस कैलकुलेट करना है सेम डिस्टेंस का मतलब न, कितना उसी उसका पहले डिस्टेंस निकालेंगे जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको वन पॉइंट फाइव आवर में वो कितना टाइम कितना स्पीड में जाएगा कि वो उसको कवर कर पाएगा गिवन टाइम इक्वल टू फोर आवर्स है स्पीड फोर्टी के एम पी एच ओके देयर फोर डिस्टेंस कवर इक्वल टू फोर इंटू फोर्टी इक्वल टू वन सिक्सटी किलोमीटर डिस्टेंस निकल गया तो वन सिक्सटी के एम किलोमीटर डिस्टेंस तो कवर करने के लिए उसको कितना स्पीड होना पड़ेगा कितना स्पीड में जाना पड़ेगा कि डेढ़ घंटे में उस डिस्टेंस को कवर करे तो स्पीड रिक्वायर्ड टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1.5 पॉइंट आवर्स इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम 160 बाय 1.5 इक्वल टू 106.66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो वो उसको कवर कर पाएगा कितने आवर में 1.5 आवर में तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है और इसमें लेट्स सी इट अगेन मतलब रिविजन की दिया हुआ है ओके okay? मतलब इसमें तुरंत रिवाइज करेंगे क्या क्या हम लोग पढ़े ओके द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इट अकोपाइज मतलब वॉल्यूम क्या होता है कि अमाउंट ऑफ स्पेस होता है जितना ये अकुपाई करता है सेकेंड है स्पेस अवेलेबल इन कंटेनर इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी मतलब कोई भी स्पेस जितना स्पेस है कंटेनर में उसको इसका कैपेसिटी बोलते हैं ओके व्हेन द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्मॉल इट इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस इट्स वॉल्यूम इन सब मल्टीपल्स ऑफ मीटर क्यूब ओके सच एच डेसी क्यूब एंड सेंटीमीटर क्यूब सरफेस एरिया नेक्स्ट है सरफेस एरिया इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फिफ्थ है सरफेस एरिया इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट सेम चीज़ दिया हुआ है सिक्स है फॉर इरेगुलर फॉर रेगुलर पॉलीगन ज्योमेट्रिक्स विथ स्ट्रेट एज द मोस्ट एक्ट वे टू कंप्यूट द एरिया इज टू पार्टीशन द सेप इन टू ट्रेंगल्स दैन एड ऑफ द एरिया ऑफ दो स्मॉलर ट्रेंगल्स मतलब इरेगुलर पॉलीगन के लिए जिसका स्ट्रेट एज है स्ट्रेट मतलब सीधा एज है उसका कैलकुलेसन के लिए उसका एरिया कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे पार्टीशन करेंगे ट्रेंगल में उस शेप को उसके बाद ट्रेंगल का एरिया निकाल करके उस सबको ऐड करेंगे डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ एन मास ऑफ ए बॉडी टू इट्स वॉल्यूम डेंसिटी डिफाइंड है किसमें रेशियो है किसका मास एंड वॉल्यूम का

मतलब उसका टेम्परेचर है मैक्सिमम डेंसिटी का नेक्स्ट वाटर अच्छा इस तरह से ख़त्म हो गया नेक्स्ट है एक्सरसाइज एम लगता है बन जाएगा मुझे लगता है अगर आप वीडियो पूरी देखे होंगे तो बन जाना चाहिए सारे क्वेश्चंस अगर फिर भी नहीं बना तो वीडियो को शुरू से फिर से दोबारा देखिए मुझे पूरा विश्वास है सारे क्वेश्चन जितने भी इसमें एम सी क्यूज फिल इन द ब्लैंक्स ब्लैक्स ट्रूफॉल्स डिफाइंड लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं या तो मैच द कॉलम ओके सो सारे बन जाएंगे सारे फिर भी अगर कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए मैं उसका आंसर बता दूंगा ओके कि इस ओके कि इस चैप्टर में ये डाउट है आप कमेंट कीजिए मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग अपने दोस्तों में शेयर करें ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आपसे और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताएं अगर कुछ कमी हो तो बताएं थैंक यू कोविड नाइन्टीन एट होम स्टडी एट होम